दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये विक्रम बेताल की सीरीज से ली गई है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। और दोस्तों, आज की जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और जैसा दोस्तों आप हमेशा कहते हैं कि सर, आप कोई ऐसी स्टोरी लाइए जहाँ पर थोड़ी एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग और साथ में थोड़ी एडवांस लेवल की ग्रामर हो, तो दोस्तों ये कहानी कुछ उसी के लिए है, क्योंकि इस कहानी में आपको कई सारे अच्छे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे एडवांस लेवल के। उसके अलावा जो इसके अंदर ग्रामर का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो भी थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फ्लाइंग चैरियट। दोस्तों, चैरियट का मतलब होता है रथ, फ्लाइंग मतलब द फ्लाइंग चैरियट, फ्लाइंग मतलब उड़ने वाला, द फ्लाइंग चैरियट मतलब कि उड़ने वाला रथ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दिस टाइम विक्रम फेस्ड नो डिफ़िकल्टी इन सीजिंग बेताल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फेस का मतलब होता है सामना करना, सेकंड फॉर्म फेस्ड। दिस टाइम मतलब कि इस बार विक्रम फेस्ड नो डिफ़िकल्टी, मतलब इस बार विक्रम ने कोई भी कठिनाई का सामना नहीं किया इन सीजिंग बेताल, बेताल को पकड़ने में। बेताल अगेन, बेताल बिगेन अनादर स्टोरी टू ट्रैप विक्रम। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म में बिगिन। बेताल बिगिन अनादर स्टोरी टू ट्रैप विक्रम। ट्रैप मतलब फंसाना, जो बेताल था उसने एक और कहानी को शुरू कर दिया टू ट्रैप विक्रम, विक्रम को फंसाने के लिए। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, और आप कहानी को ध्यान से सुने और आप इसका आनंद लें। अ ब्राह्मिन नेम्ड हरि लिव्ड इन उज्जैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, सेकेंड फॉर्म है लिव्ड। अ ब्राह्मिन नेम्ड हरि मतलब एक हरि नाम का ब्राह्मण लिव्ड इन उज्जैन, उज्जैन में रहता था। He served as the messenger of the king Mahabali of that city. क्या अर्थ हुआ दोस्तों? सर्व का मतलब होता है किसी जगह काम करना, अपनी सेवा देना। He served as the messenger of the king मतलब वह messenger मतलब संदेशवाहक, वह राजा महाबली के संदेशवाहक के रूप में काम करता था, ऑफ दैट सिटी उस शहर के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह उस शहर के राजा महाबली के संदेश वाहक के तौर पर काम करता था। हरी हैड अ वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर हु हैड ग्रोन इन टू मैरिजेबल एज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। हरी हैड ए वाइफ, एक हरी की एक पत्नी थी, अ सन एक बेटा था, एंड अ डॉटर और एक बेटी, हु हैड ग्रोन इन टू मैरिजेबल एज जिसकी आयु विवाह के योग्य हो गई थी। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। हु हैड ग्रोन इन टू मैरिजेबल एज मतलब जिसकी आयु विवाह के योग्य हो गई थी। मैरिजेबल का मतलब होता है विवाह के योग्य। द फैमिली वॉज लुकिंग फॉर अ सूटेबल सूटेबल बॉय। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी, इस तरह का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। सूटेबल का मतलब होता है उपयुक्त। द फैमिली वॉज लुकिंग फॉर अ सूटेबल बॉय मतलब जो परिवार था वो एक उपयुक्त लड़का ढूंढ रहा था। चलिए आगे देखिए।
वंस द किंग सेंड हिम टू अनदर टाउन विद अ मैसेज। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। एस ई एन डी सेंड का मतलब होता है भेजना और सेकेंड फॉर्म है सेंट। वंस एक बार द किंग सेंट हिम। और दोस्तों ये जो हिम है ये उस ब्राह्मण जिसका नाम हरि है उसके बारे में बात हो रही है। एक बार राजा ने उसे दूसरे शहर भेजा विद ए मैसेज एक संदेश के साथ। व्हेन हरि वॉज रिटर्निंग ही केम अक्रॉस अ ब्राह्मण यंग मैन। क्या अर्थ हुआ? व्हेन हरि वॉज रिटर्निंग, रिटर्न मतलब लौटना, जब हरि वापस लौट रहा था ही केम अक्रॉस। और दोस्तों कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मुलाकात होना, किसी से मिलना, और सेकेंड फॉर्म है केम अक्रॉस क्योंकि ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। व्हेन हरि वॉज रिटर्निंग मतलब जब हरि वापस आ रहा था, लौट रहा था, ही केम अक्रॉस अ ब्राह्मण यंग मैन, उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण युवक से हुई। यंग मैन मतलब नव युवक, क्या कह सकते हैं युवक। आगे देखिए, ही लाइक्ड द बॉय, लाइक मतलब पसंद आना, ही लाइक्ड द बॉय, उसे लड़का अच्छा लगा, या कह सकते हैं उसे लड़का पसंद आया। बट ही वॉन्टेड टू टेस्ट द क्वालिटीज ऑफ द बॉय बिफोर सेलेक्टिंग हिम फॉर हिज डॉटर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना और सेकेंड फॉर्म है वॉन्टेड। और दोस्तों यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। दूसरी वर्ब है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की परीक्षा लेना, किसी चीज़ का इम्तहान लेना। और आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पहले वर्ब के बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बट ही वॉन्टेड टू टेस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ द बॉय, क्या मतलब हुआ कि लेकिन वह लड़के के गुणों की परीक्षा करना चाहता था, लड़के के गुणों की परीक्षा करना चाहता था बिफोर सेलेक्टिंग हिम फॉर हिज डॉटर, मतलब अपनी बेटी के लिए चुनने से पहले वो लड़के के गुणों की जांच करना चाहता था, परीक्षा करना चाहता था। द बॉय रिवील्ड हिज स्किल्स बाय सेइंग, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों रिवील का मतलब होता है किसी बात का खुलासा करना, कोई चीज़ बताना, किसी राज का खुलासा करना या कुछ खुलासा करना, उसे रिवील कहा जाता है। सेकंड फॉर्म है रिवील्ड, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। द बॉय रिवील्ड, लड़के ने खुलासा किया हिज स्किल्स, अपने हुनर का। दोस्तों स्किल को आप नोट कर सकते हैं, स्किल का मतलब होता है कौशल या फिर उसे हुनर भी कहा जाता है। तो लड़का था, उसने अपने जो उसके कौशल थे, जो उसके हुनर थे, उसका उसने खुलासा किया बाय सेइंग, ये कहते हुए, आई हैव created a flying chariot. I have created a flying chariot that flies like wind. क्या अर्थ हुआ? दोस्तों इस वाक्य में have के साथ third form का प्रयोग किया गया है। सी आर ई ए टी, क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, कोई चीज़ बनाना, और थर्ड फॉर्म में क्रिएटेड, और यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी वाक्य बनाते हैं तब वहाँ हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। तो उसने क्या कहा? आई हैव क्रिएटेड अ फ्लाइंग चैरियट, मैंने एक उड़ने वाला रथ बनाया है। दैट फ्लाइज लाइक विंड, जो हवा की तरह उड़ता है। नो हर्डल कैन स्टॉप इट, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एच यू आर डी एल, इसमें जो आर है वो साइलेंट है, इसका मतलब इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सिर्फ इसे हर्डल पढ़ेंगे। और हर्डल एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बाधा, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, नो हर्डल कैन स्टॉप इट, मतलब कोई भी बाधा इसे नहीं रोक सकती। विद इट यू कैन गेट एनी वेयर इन ए जिफी, इन ए जिफी मतलब पल भर में। तो उसने क्या कहा? विद इट मतलब इसकी मदद से आप पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते हैं। हरि वॉन्टेड टू सी दैट वंडर चैरियट, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकेंड फॉर्म में वॉन्टेड, और सी मतलब देखना।
और दोस्तों वंडर का मतलब था अद्भुत। हरी वॉन्टेड टू सी दैट वंडर चैरियट, मतलब जो हरी उस अद्भुत रथ को देखना चाहता था। चल आगे देखिए। ही आस्ट द यंग मैन टू शो हिम द चैरियट, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? आस्क का मतलब पूछना होता है, उसके अलावा आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो यहाँ इसका मतलब है किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना, सेकंड फॉर्म है आस्ट। ही आस्ट द यंग मैन, उसने युवक से कहा, टू शो हिम द चैरियट मतलब उसने युवक से रथ दिखाने को कहा। द यंग मैन ब्रॉट हिज चैरियट, और ब्रिंग मतलब लाना, और आप इसकी सेकंड फॉर्म को नोट कर लीजिए, बी आर ओ यू जी एच टी ब्रॉट। द यंग मैन ब्रॉट हिज चैरियट, हिज मतलब अपना, युवक जो था, द यंग मैन ब्रॉट हिज चैरियट मतलब जो युवक था वो अपना रथ ले आया। द ब्राह्मिन हरी सजेस्टेड दैट दे गो टू उज्जैन इन इट टू टेस्ट इस, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, सलाह देना, उसे सजेस्ट कहा जाता है, SUGGEST, और ये सेकंड फॉर्म है सजेस्टेड। हरी सजेस्टेड, हरी ने, द ब्राह्मिन मतलब जो ब्राह्मिन था, हरी हरी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया कि दे गो टू उज्जैन, कि वो उज्जैन जाएं, इन इट इसके अंदर, टू टेस्ट इस, इसकी परीक्षा लेने के लिए। द यंग मैन एंड हरी गॉट ऑन द चैरियट, गॉट ऑन, गेट ऑन मतलब था सवार होना, सेकंड फॉर्म है गॉट ऑन, मतलब जो युवक और जो हरी थे वो उस रथ पर सवार हो गए। दे वर इन उज्जैन इन नो टाइम, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। चलिए इसे देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। दे वर इन उज्जैन इन नो टाइम मतलब वे पल भर में ही उज्जैन में थे। हरी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस मतलब प्रभावित होना, हरी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, जो हरी था बहुत प्रभावित हुआ। ही फिक्स्ड द मैरिज ऑफ हिज डॉटर विद दैट यंग ब्राह्मिन, और उसने अपनी बेटी का जो विवाह था वो उस ब्राह्मण लड़के से, ब्राह्मण युवक से तय कर दिया, फिक्स कर दिया मतलब तय कर दिया, या कह सकते हैं पक्का कर दिया। चलिए आगे देखिए। मीन वाइल द सन ऑफ हरी हैड ऑल्सो मेट अ वेरी टैलेंटेड यंग ब्राह्मिन हु न्यू ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड ही कुड सी इन टू द फ्यूचर एंड प्रेडिक्ट एनी इवेंट टू हैपन, क्या अर्थ हुआ? मीन वाइल का मतलब था इस दौरान, इस दौरान द सन ऑफ हरी, जो हरी का बेटा था, हैड ऑल्सो मेट ए वेरी टैलेंटेड यंग ब्राह्मिन। और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जब हम पास्ट में कोई भी परफेक्ट का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस दौरान जो हरी का बेटा था वो भी एक वेरी टैलेंटेड मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली ब्राह्मण युवक से मिल चुका था। हु न्यू ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर, जो सभी धार्मिक ग्रंथों को जानता था। एंड ही कुड सी इन टू द फ्यूचर, और वो भविष्य में देख सकता था। एंड प्रेडिक्ट, और उनकी भविष्यवाणी करता था, कर सकता था। एनी इवेंट टू हैपन मतलब कोई भी यदि घटना फ्यूचर में, भविष्य में होने वाली है तो उनकी वो भविष्यवाणी कर सकता था। ही ऑल्सो फिक्स्ड द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर टू दैट ब्राह्मिन बॉय, और उसने भी उस ब्राह्मण लड़के से अपनी बहन का जो विवाह था वो तय कर दिया। चलिए आगे देखिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द वाइफ ऑफ हरी, जो पत्नी थी हरी की पत्नी, हैड ऑल्सो कम अक्रॉस अ गुड बॉय, उसकी भी एक अच्छे लड़के से मुलाकात हुई। हु वॉज वेल लर्न्ड मतलब कि जो बहुत विद्वान था, अच्छा पढ़ा, बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था। एंड वॉज एन एक्सपर्ट, और वो एक मतलब कि एक्सपर्ट था, दक्ष था, एक्सपर्ट आर्चर मतलब एक वो दक्ष तीरंदाज था। दोस्तों आर्चर का मतलब होता है तीरंदाज, या कह सकते हैं धनुधर, और वो एक दक्ष धनुधर था, तीरंदाज था। हु कुड हिट द टारगेट, जो अपने टारगेट को, निशाने को मतलब निशाना लगा सकता था टारगेट पर। ऑन हियरिंग साउंड ओनली, सिर्फ आवाज़ को सुनकर जो उस टारगेट को हिट कर सकता था, उसे मार सकता था। द वाइफ टू सिलेक्टेड दैट बॉय फॉर हर डॉटर, जो पत्नी थी उसने भी उस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुन लिया। चलिए आगे देखिए। When the family got together, get together मतलब पास आना, और सेकेंड फॉर्म में got together, जब when the family got together, जब परिवार इकट्ठा हुआ at night रात में,
दे केम टू नो, उन्हें पता चला ऑफ द फैक्ट, इस सच के बारे में, दैट कि दे हैड प्रोमिस्ड द गर्ल, कि उन्होंने लड़की का वादा कर दिया था, टू थ्री टैलेंटेड यंग मैन, तीन अलग अलग, मतलब तीन प्रतिभाशाली युवकों से उसका मतलब विवाह तय कर दिया था. द फैमिली वॉज कन्फ्यूज, जो परिवार था वो कन्फ्यूज था, भ्रमित था, वॉट टू डू, कि वो क्या करें. एट लास्ट, आखिरी में, अंत में, दे एट लास्ट मतलब कि अंत में, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, दैट कि द गर्ल देवी वुड पुट हर फिंगर ऑन द वन शी प्रोफेस्ड ओवर द अदर टू. तो लास्ट में क्या तय किया गया कि जो लड़की है देवी, वुड पुट हर फिंगर मतलब वो अपनी उंगली रखेगी ऑन द वन मतलब एक पर, शी ऑन द वन शी प्रोफेस्ड ओवर द अदर टू मतलब जो दूसरे अन्यों की तुलना में उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उस पर वो उंगली रखेगी. इफ़ इट फेल्ड, यदि ये जो चीज़ है वो फेल होती है, विफल होती है, द एल्डर्स ऑफ द क्लैन, जो वंश के जो एल्डर्स होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, वर टू डिसाइड, वो इस चीज़ को तय करेंगे. चलिए आगे देखिए. मीन वाइल, इस दौरान, अ डेमन रेडेड उज्जैन सिटी एंड टुक अवे देवी. और दोस्तों ये जो वर्ड है DEMON, यहाँ इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई लोग इसको कई जगहों पर इसका जो प्रोनंसिएशन है वो डीमन है और कई जगह पर डेमन है. तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप भी एक बार इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो कई बार इसको डेमन कहा जाता है और कई जगहों पर इसको डीमन कहा जाता है. तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसको एक बार देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार ये क्या सही है. मीन वाइल, इस दौरान, आ डीमन रेडेड उज्जैन सिटी. रेड मतलब होता है छापा मारना या फिर धावा बोलना. मतलब इस दौरान जो एक दानव था, राक्षस था, रेडेड उज्जैन सिटी, उसने उज्जैन शहर पर धावा बोला एंड टुक अवे देवी, और वो देवी को ले गया. टेक अवे मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक अवे, और वो देवी को ले गया. चलिए, और जो दोस्तों ये देवी है वो उस व्यक्ति की बेटी है जिसके विवाह के बारे में बात हो रही है. चलिए आगे देखिए. द थ्री यंग मैन हु वर होपिंग फॉर हर हैंड अराइव टू शेयर द ग्रीफ ऑफ द फैमिली. दोस्तों ग्रीफ को आप नोट कर सकते हैं, ग्रीफ नाउन है जिसका अर्थ होता है दुख, उसे ग्रीफ कहा जाता है. ये जो तीन युवक थे हु वर होपिंग, जो उम्मीद कर रहे थे, फॉर हर हैंड मतलब जो उसके रिश्ते की या उसके हाथ की जो उम्मीद कर रहे थे, अराइव्ड वो आ गए, टू शेयर द ग्रीफ ऑफ द फैमिली परिवार के दुख का, दुख को साझा करने के लिए वो आ गए. द पीपल देयर वर वॉन्डरिंग हाउ दे वर गोइंग टू फाइंड आउट वेयर द डैमन हैड टेकन देवी टू. क्या अर्थ हुआ, जो लोग थे वहाँ, दे वर वॉन्डरिंग, वो इस चीज़ पर विचार कर रहे थे, हाउ दे वर गोइंग टू फाइंड आउट मतलब वो इस बारे में कैसे पता लगाएंगे कि वेयर द डैमन हैड टेकन देवी, की जो डैमन है, राक्षस है, वो देवी को कहाँ ले गया है. द सन ऑफ द ब्राह्मण, जो बेटा था ब्राह्मण का, आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, हे यू नो, तुम जानते हो, ऑल अबाउट द फ्यूचर, सब कुछ भविष्य के बारे में जानते हो, वाई डोंट यू टेल अस, आप हमें क्यों नहीं बताते, वेयर माई सिस्टर हैज़ बीन टेकन टू बाय द डैमन. क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इस वाक्य में हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है. ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है. तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है. चलिए तो इसका मीनिंग देखते हैं, क्या मीनिंग हुआ. द सन ऑफ द ब्राह्मण आस्क्ड हिज फ्रेंड, जो बेटा था ब्राह्मण का, उसने अपने दोस्त से कहा, यू नो ऑल अबाउट द फ्यूचर, कि तुम भविष्य के बारे में सब जानते हो, वाई डोंट यू टेल अस, तुम हमें क्यों नहीं बताते, वेयर माई सिस्टर हैज़ बीन टेकन टू बाय द डैमन मतलब कि मेरी बहन को दानव के द्वारा कहाँ ले जाया गया है. चलिए आगे देखिए. द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड अनाउंस्ड. और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है. अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, कुछ बोलना. द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज, हिज मतलब अपनी, जो युवक था उसने अपनी आंखें बंद की, एंड अनाउंस्ड और उसने बताया, उसने घोषणा की, शी हैज़ बीन टेकन टू द नॉर्थ डायरेक्शन मतलब उसे उत्तर दिशा में ले जाया गया है. और दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है पैसिव के अंदर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था. यहाँ हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो क्या अर्थ हुआ, शी हैज़ बीन टेकन टू द नॉर्थ डायरेक्शन मतलब उसे उत्तर दिशा की तरफ ले जाया गया है. आई कैन सी हर इम्प्रिजेंड, मैं उसे देख सकता हूँ कि वो इम्प्रिजेंड है मतलब कि उसे
इम्प्रिजन का मतलब होता है किसी को पकड़ा हुआ होना, जकड़ा हुआ होना, मतलब उसे पकड़ा हुआ है। बिहाइंड द हिल्स, हिल्स मतलब कि पहाड़ों के पीछे। द चैरियट क्रिएटर सैड, जो रथ का जो बनाने वाला था उसने कहा, कम आओ, सिट ऑन माई फ्लाइंग चैरियट, मतलब कि आओ और मेरे उड़ने वाले रथ में बैठ जाओ। इट विल टेक अस टू दैट प्लेस इन ए जिफी, ये हमें उस स्थान पर पल भर में ले जाएगा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, टेक मतलब ले जाना होता है, तो और अस मतलब हमें। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इट विल टेक अस टू दैट प्लेस इन ए जिफी, मतलब ये हमें उस स्थान पर पल भर में ले जाएगा। चलिए आगे देखिए। ऑल ऑफ दैम रोड द चैरियट एंड रीच्ड बियॉन्ड द हिल्स, और जो सब थे वो सब जो थे वो रथ पर सवार हो गए। एंड रीच्ड बियॉन्ड द हिल्स, और वो पहाड़ों के परे, बियॉन्ड मतलब परे, और वो पहाड़ों के परे पहुंच गए। बट लेकिन दे कुड नॉट सी द डैमन ऑफ, और देवी, लेकिन वो मतलब कि डैमन को, राक्षस को या फिर देवी को नहीं देख सके। सडनली अचानक दे हर्ड, और दोस्तों हियर मतलब होता है सुनना और सेकंड फॉर्म है हर्ड। सडनली दे हर्ड द हर 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 ऑफ द डैमन, और अचानक उन्होंने उस डैमन की, राक्षस की, जो हर हर की जो आवाज़ थी उसको उन्होंने सुना। चलिए आगे देखिए। द डैमन वॉज इनविजिबली गुफाविंग, जो डैमन था वो अदृश्य रूप से छुपा हुआ था। द साउंड रोअर्ड, जो साउंड था, जो आवाज़ थी वो गर्जी, गेट अवे फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से चले जाओ। द गर्ल यू वॉन्ट गेट, मतलब आपको लड़की नहीं मिलेगी। शी इज़ माई मील, वो मेरा भोजन है। हर हर हर, फिर उसने आवाज़ की। द थर्ड यंग मैन सैड, जो तीसरा युवक था उसने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल फ्री देवी, मैं देवी को आज़ाद करूँगा फ्रॉम द डैमन, राक्षस से। द आर्चर यंग मैन क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ द हिल, और ये जो मतलब जो तीरंदाज, मतलब जो धनुधर युवक था वो चढ़ गया, क्लाइम मतलब चढ़ना, वो ऊपर चढ़ गया। और टू द टॉप ऑफ द हिल, वो पहाड़ के जो हिल थी, पहाड़ी थी, उसके ऊपर वो ऊपर चढ़ गया। एमिंग एट द लाफ्टर साउंड ही शॉट सेवरल अरोज, एम मतलब निशाना, और निशाना लगाते हुए एट द लाफ्टर, लाफ्टर साउंड मतलब जहाँ से वो हंसी की आवाज़ थी उसकी तरफ निशाना लगाते हुए, ही शॉट सेवरल अरोज, उसने कई तीर चला दिए। विद आ स्क्रीम, एक चीख से द डैमन फेल डाउन, जो डैमन था वो नीचे गिर गया। लाइक अ चॉप्ड ट्री, एक कटे हुए पेड़ की भांति, कटे हुए पेड़ की तरह वो नीचे गिर गया। फॉल डाउन मतलब नीचे गिरना, सेकंड फॉर्म में फेल डाउन, वो नीचे गिर गया। नाउ अब देवी वॉज विजिबल, जो देवी थी वो दिख सकती थी, विजिबल थी मतलब उसको देखा जा सकता था। द यंग मैन केम बैक विद हर, जो युवक थे वो उसके साथ वापस आ गए। एंड दे रिटर्न टू द सिटी, और वो शहर वापस लौट आए। चलिए आगे देखिए। बट द प्रॉब्लम ऑफ हु शुड देवी मैरी वॉज नॉट सॉल्व, लेकिन जो ये समस्या थी कि देवी को किससे शादी, विवाह करना चाहिए, ये सॉल्व नहीं हुई, मतलब का समाधान नहीं हुआ। ऑल द थ्री यंग मैन हैड स्ट्रॉन्ग क्लेम्स, और ये जो तीनों युवक थे इनके मजबूत दावे थे, मजबूत दावेदारी थी। द मैटर वॉज टेकन टू द किंग महाबली, और ये जो मामला था उसे राजा महाबली के पास ले जाया गया। और दोस्तों इस वाक्य में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वॉज या वर्क का प्रयोग हेल्पिंग वर्क के रूप में होता है और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, एक्टिव पैसिव का मतलब पैसिव वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मैटर वॉज टेकन टू द किंग महाबली, जो ये मैटर था मतलब जो ये मामला था उसे राजा महाबली के पास ले जाया गया। द किंग हर्ड द स्टोरी, जो राजा थे उन्होंने इस कहानी को सुना। आफ्टर ए थॉट मतलब एक सोच, मतलब थोड़ा सोच के बाद, ही गेव हिज डिसीजन, उन्होंने अपना निर्णय दिया। गिव मतलब देना, सेकेंड फॉर्म में गेव, आफ्टर ए थॉट मतलब एक सोच के बाद उन्होंने अपना निर्णय दिया। द गर्ल वॉज मैरिड अकॉर्डिंगली, और ये जो लड़की थी उसका उसी अनुसार विवाह कर दिया गया। चलिए आगे देखिए। बेताल बेताल, देवी वॉज मैरिड टू द आर्चर, सॉरी,
बेताल सेट, बेताल ने कहा विक्रम यू हर्ड द स्टोरी, विक्रम तुमने आपने स्टोरी को कहानी को सुना, नाउ टेल मी अब मुझे बताओ हु वॉज देवी मैरिड टू, की जो देवी है उसका विवाह किससे किया गया। बेताल देवी वॉज मैरिड टू द आर्चर, जो देवी थी उसका जो विवाह था वो धनुधर से मतलब कि तीरंदाज से किया गया, क्योंकि क्योंकि ही वॉज द वन, क्योंकि ही वॉज द वन हु रियली सेव्ड हर, क्योंकि वास्तव में वही था जिसने उसे बचाया। द अदर टू मेयरली असिस्टेड इन द टास्क, और जो दूसरे जो थे जो अन्य दो थे उन्होंने मात्र इस काम के अंदर सहयोग किया। आई न्यू मैं जानता था दैट यू वुड गिव द राइट आंसर, कि आप एक सही जवाब दोगे, बट लेकिन इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू, लेकिन ये आपकी गलती है टू ओपन योर बिग माउथ, अपने बड़े मुँह को खोलना। बेताल फ्लू बैक फ्लैपिंग हिज आर्म्स, जो बेताल था वो अपने आर्म्स को मतलब हाथों को फड़फड़ाते हुए वापस उड़कर चला गया टू हिज बैरन ट्री, अपने उस बंजर पेड़ पर। विक्रम डेस्परेटली चेज्ड हिम, जो जो विक्रम थे उन्होंने डेस्परेटली मतलब होती हताशपूर्ण तरीके से उसका पीछा किया, ब्रैंडिशिंग हिज सॉर्ड, अपनी तलवार को लहराते हुए। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक बहुत अच्छी सी कहानी थी, मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और आज की कहानी थोड़ी लंबी थी, यदि कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, यदि कोई वर्ड मीनिंग छूट गई हो उसकी मीनिंग नहीं बताई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी स्टोरी बड़ी थी और थोड़ा सा मैंने आज इसे जल्दी कवर करने की कोशिश किया है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और दोस्तों यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।